अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मार्च 3 दिनों में इसने 135 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली। सनी देओल और अमीषा पटेल का एक साथ किसी फिल्म में नजर आए 22 साल हो गए और प्रशंसक उन्हें फिर से एक साथ देखकर काफ़ी खुश है। गदर 2 स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के दौरान रिलीज हुई और इसने लोगों को देशभक्ति की भावना से भर दिया। फिल्म को दर्शकों से मिल रहे प्यार और समर्थन, सनी देओल वाकई खुश और आभारी है। उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर खूब फैल रही है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब की। मशहूर अभिनेता सनी देओल मुंबई में नजर आए और अब हर कोई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और काली टोपी पहन रखी थी। तस्वीरों में कुछ महिला प्रशंसक उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। कुछ लोग उनके अभिनय से खुश नहीं और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब सामने आई कुछ तस्वीरों की वजह से लोग सनी देओल पर भड़क रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब से उनकी फिल्म लोकप्रिय हुई है तब से वह असभ्य और आत्म केंद्रित व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनका बचाव करते हुए कह रहे हैं कि शायद वह सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि एक महिला ने उन्हें छूने की कोशिश की थी। गदर 2 नाम की फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल है। इसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है, जिन्होंने 2001 में गदर एक प्रेम कथा नामक एक और फिल्म का निर्देशन भी किया था। गदर 2 बहुत लोकप्रिय और केवल 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है। इसने 135 करोड़ रुपये कमाई, जो कि बहुत बड़ी रकम है। यह इसे इस साल की अब तक सबसे सफल फिल्म बनाती है। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर भी है और लोगों को यह काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।